हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और मैं अपने यूट्यूब चैनल से जी ब्लॉगर पूजा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज हम पनीर टिक्का की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। उसके लिए हमने सारे इंग्रेडिएंट ले लिए हैं, साथ ही साथ हमने सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ एक बॉल में मिक्स कर लेना हुआ है कि पनीर, टमाटो, कैप्सिकम, ओनियन और जो हमने 1 कप कर ली हुई है वो सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, जो जो हमारे पास मसाले हैं, चाट मसाला है ना, गरम मसाला, सॉल्ट, टर्मरिक, कोरिएंडर और यहाँ पे हम थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इसको फ्रिज में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए कूल होने के लिए, ठंडे होने के लिए रख देना है, जिससे कि क्या हो, ये सेट हो जाए। क्योंकि जो पनीर टिक्की होती है वो किसमें, कोयले में होती है ना। उसके बाद हमने इसे फ्रिज से निकालने के बाद इसे हमने थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ है तवे पे। इसको बिल्कुल 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाल के अच्छे से इसको थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ है। ये देखिए, ये सेट हो गया। बस हल्का सा थोड़ा सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद हमें इसे क्या करना है, यहाँ पे मैं कोयले का स्मोक दे रही हूँ क्योंकि हमारे पास कोयला तो है नहीं, कोयले में सीख नहीं सकता। मैंने कुछ इस तरीके से इसे कोयला का स्मोक दिया हुआ है कि इसे थोड़ा सा कोयले का जो रोस्ट करने के बाद मैंने बाहर निकाल लिया हुआ था और थोड़ा सा कोयला का स्मोक दिया हुआ है। फिर मैंने इसे जो पनीर है उसको शेड किया हुआ है इस तरीके से और फिर गैस में मैंने थोड़ा सा इसे क्रंची कर लिया हुआ है। सो हमारी पनीर टिक्का रेडी है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना।